Welcome to the world of tulipsmile.com and tinkubhai.com. फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं मोस्ट प्रोबली आप सबके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता ही रहता हूं। इस बार जो मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं, वो है सीमोस बैटरी से संबंधित। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मदरबोर्ड के सीमोस बैटरी निकालना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप कैसे निकाल पाएं। एक्चुअली एक हमारे व्यूअर हैं उमेर महमूद, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी थी कि उनके पास ये वाला मदरबोर्ड है, बट एक्चुअली वो सीमोस की बैटरी निकालना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ पा रहा वो कैसे करें ताकि उनका हार्डवेयर में कोई दिक्कत ना हो। तो अब उनके रिक्वेस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगी। और फ्रेंड, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा अपनी तरफ से कि आप कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको रीइंसर्ट कर सकते हैं और बैटरी कैसे डाल सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं डे टू डे इतनी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ, इतनी मेहनत करता रहता हूँ, प्रोडक्ट अरेंज करता रहता हूँ आपको आपके लिए। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छी लगती हैं, मेहनत अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ लाइक बटन में जरूर क्लिक करना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फ्रेंड सर्कल में बात करो tinkubhai.com के बारे में, जहाँ प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। साथ ही साथ किसी ने प्रोडक्ट परचेस करना हो, जो हमारी वेबसाइट है tulipsmile.com, tulipsmile.com, tulipsmile.com पर जाके आप सामान परचेस कर सकते हैं। फिलहाल शिपमेंट नई दिल्ली से होती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है। और थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि बैटरी, जो सीमोस बैटरी होती है, जैसे आप देख रहे हैं, इसको चेंज करने का क्या रीज़न होता है, लोग इसको क्यों चेंज करते हैं। और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं कोशिश तो करूँगा आपको पूरी से पूरी जानकारी दूँ आपको। फिलहाल मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, जो उनके पास जो बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड है। ये DB75EN बोर्ड है, DB75EN बोर्ड कहते हैं इसे। थोड़ा बहुत आप बोर्ड भी देख लीजिए, USB 3.0 का दिखा रहा है, जिसमें आप केबल इंसर्ट करते हैं, जैसे आपकी जो कैबिनेट वगैरह होती है जो फ्रंट साइड के लिए, ये उसके लिए यूज़ होता है। आप स्लॉट्स देख सकते हैं इसमें, कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, ये देखिए। वाकई में बोर्ड तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा बोर्ड है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रैम के स्लॉट दिए हुए हैं यहाँ पर, आपने 24 पिन्स का वो लगा सकते हैं पावर सप्लाई या CPU के लिए, और यह आप ही के यहाँ पर CPU का सॉकेट है। और ये बोर्ड देख लीजिए जो उनके पास है, दिखने में सेम एज इट इज़ है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल जो मेरा पर्पस है, वो थोड़ा बहुत जानकारी देना है कि भाई सीमोस बैटरी चेंज करें तो कैसे करें और किस लिए चेंज करें। जैसे मैं बता देता हूँ फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं, अगर बैटरी काफ़ी समय से आप यूज़ कर रहे हैं मदरबोर्ड में, तो ड्रेन तो हो ही सकती है ना, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 1 साल, डिपेंड्स ऑन बैटरी की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, और वो देखा जाए कि कितने समय से यूज़ हो रही है। और बैटरी ड्रेन होती है, इन केस अगर बैटरी ड्रेन होती है, तो जो आपके सिस्टम की टाइमिंग होती है, अगर आपने नोट किया हो, तो जब उसको चेंज करते हैं तो कई बार ये क्या होती है, जैसे सिस्टम रीस्टार्ट किया तो बिल्कुल जो टाइमिंग है कंप्यूटर की, वो चेंज हो जाती है। एक तो यानी कि ईयर चेंज हो जाता है, मंथ चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाता है। तो एक तो उसका रीज़न ये है कि अगर आपका वर्क स्टेशन है, स्टैंड अलोन है, तो उसका रीज़न एक तो आपकी बैटरी हो सकती है। मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपकी बैटरी वीक होगी। पहले एक काम करिए, सेटिंग में जाइए और टाइम जोन चेंज करिए, ठीक है, अप्लाई ओके करिए और सिस्टम रिस्टार्ट कर लीजिए। अगर टाइम सेम रहता है फिर तो ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है, अलग टाइम दिखा रहा है, पुराना टाइम दिखा रहा है, देन यू शुड चेंज सीमोस बैटरी। तो आपको सीमोस बैटरी चेंज कर लेनी चाहिए। और चेंज करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, आपने जब आपके हाथ होते हैं ना, हैंड, एक तो वो फ्रिक्शन फ्री हो, मतलब देखा जाए अच्छी तरह रगड़ के, या इसकी जो भी अर्थिंग वगैरह है वो पूरा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हाथ रगड़ के। लोग कई बार जान, मेरे को याद है कि सन 2000 के आसपास जब मैं जेटकिंग से स्टडी कर रहा था अपनी, इसके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए, तो उन्होंने सिखाया था, उन्होंने काफ़ी अच्छा सिखाया था मेरे को। तो फिलहाल जैसे मैं बता देता हूँ, फिर भी एक तो जब निकालना हो, कॉन्फिडेंस हो तो फ्रेंड तो ही करना, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप देखना, ये अपनी सीमोस बैटरी, अब निकालते कैसे हैं वो देख लो। ये है ना, ये देख रहे हैं आप, इसको हल्का सा प्रेस करिएगा, ये देखिएगा, जैसा उसको प्रेस करेंगे, एक्चुअली क्या ना, एक हाथ से बहुत मुश्किल होता है, आप भी समझ सकते हो फ्रेंड। और फ्रेंड थोड़ी सी वीडियो अगर बड़ी बन रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बट एट द एंड में वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं ना। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे करिएगा, ये देखिए आ गई बैटरी बाहर। आप सिंपली ये जो बैटरी है, अगर आप देखेंगे तो सिंपली ये बैटरी बाहर आ जाएगी। अब वापस इंसर्ट करना हो तो इसी को ही आप प्रेस करिएगा, इसको ऐसे,
और सिंपली बैटरी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऐसे बैटरी डाल रहा हूँ, और आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको पीछे करिए और डाल सकते हैं, ऐसे आप बैटरी डाल सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट आप थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि बैटरी निकालते कैसे हैं, बैटरी डालते कैसे हैं, और बैटरी चेंज करनी है तो क्यों चेंज करनी है। सिस्टम का टाइम चेंज हो रहा हो, वर्क स्टेशन सिंगल सिस्टम है, कोई सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, कोई NTP सर्वर कन्फिगर नहीं है, देन यू सिंपली हैव टू चेंज दिस बैटरी। आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, और टाइम सेटिंग में जाकर टाइम सेट कर लिया और रिस्टार्ट करने के बाद भी टाइम से डिफरेंट आ रहा है, तो आप ऐसे बैटरी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहेगी। आपको एटलीस्ट पता तो चला कि आप अपनी CMOS बैटरी कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा करके भी दिखा देता हूँ, अगर आपको उस एंगल से ना समझ आया हो तो पहले देख लो अच्छी तरह। ये देखिए, और ध्यान रखना फ्रेंड, जो कंपोनेंट अगर आप बैटरी रिमूव कर रहे हो ध्यान से निकालना ताकि दिक्कत ना हो। सिस्टम बंद करके, पावर सप्लाई बंद करके फिर ही करें तो अच्छा रहेगा। ये है सिंपली यहाँ पुट किया, और ये देखेंगे तो आपकी जो बैटरी है यहाँ से आ जाएगी। दिखाता हूँ आपको, आप देखते जाइए। यहाँ पे एक्चुअली मुश्किल हो रहा है एक हाथ से करना ना, वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया था। देखिए ऐसे पॉपअप हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है, बस ऐसे पॉपअप हो जाएगा। तो सिंपली आप निकाल लीजिएगा बैटरी और लगानी है वापस। इसको ऐसे किया और यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए इसको इस तरफ, ये जो ये बना हुआ है ना, ये देखिए इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो बैटरी वापस चली जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट अब आपको CMOS के बारे में पता चल गया कि आप बैटरी कैसे निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे बैटरी नई बैटरी आप डाल भी सकते हैं, और रीज़न पता चल गया कि टाइमिंग की वजह से हम बैटरी यूजली चेंज करते हैं, और जैसे BIOS की कन्फिगेशन अगर रिमूव हो रही है जैसे भी, तो उसमें भी आपको ये बैटरी जो है ना BIOS की कन्फिगेशन चेंज हो रही है बार बार, टाइमिंग चेंज हो रहा है, देन यू सिंपली हैव टू यू नो कि बैटरी चेंज करने का समय आ गया, तो सबसे समय के अनुसार बैटरी को चेंज भी कर लेना चाहिए। तो मेरा जो पर्पज़ था फ्रेंड एक्चुअली आपको CMOS बैटरी से संबंधित जानकारी देना वो पूरा हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब का उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट डे टू डे जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी आप टाइम टू टाइम उन वीडियोज़ का सारे इन्जॉय कर पाएंगे। और हो सके तो फ्रेंड सर्कल में बात करो tinkubhai.com के बारे में, जहाँ प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। और किसी ने प्रोडक्ट परचेज करना हो जो हमारी वेबसाइट है tulipsmile.com, आप वहाँ पर भी जाकर सामान परचेज कर सकते हैं। फिलहाल शिपमेंट नई दिल्ली से होती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है, और शिपमेंट नई दिल्ली से ही होती है। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।